वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी रुखमा। लैला जी ये बताएं कि आप काफ़ी अरसे से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको पहले की मीडिया इंडस्ट्री में और अब की मीडिया इंडस्ट्री में क्या फ़र्क महसूस होता है रिगार्डिंग फिल्म्स एंड रिगार्डिंग ड्रामास? फिल्म तो मैंने पहले नहीं की थी इतनी, अभी की हैं तो वो मैं डिफरेंस इतना नहीं बता सकती, मगर ये कि हाँ जो पहले का कॉन्टेंट था वो बहुत बेहतर होता था। अब कॉन्टेंट उस तरह नहीं है, मगर अब टेक्निकली हम लोग बहुत ज़्यादा साउंड हो गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं, तो टेक्निकली हमारी बहुत बेहतर हो गई हैं अब सारी चीज़ें। और सिलेक्शन क्राइटेरियाज आपको ऐसा लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इजी हो गया है अब? हाँ इजी तो हो गया है अब काम करना, पहले तो हमें पूरे पूरे सीन्स याद करने पड़ते थे, एक साथ एक सीन होता था, तीन कैमराज होते थे उससे सब करते थे। अच्छा तो सवाल इंज थे कि आपस बैठा तो टूट के शुरू हो गए ने तो इसको थोड़ा आप पूछ लें अगर आपको उनके सवाल बुरे लग रहे हैं। नहीं नहीं मैं तो मंगल जी मतलब मैं से पूछना चाह रहा हूं कि जैसे थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, तो जिंदगी में भी कभी सोचा है कि कोई ऐसी सेटिंग हो कि मेरी जिंदगी बन जाए? वही तो नहीं आई, वही तो सीखने के लिए इस मूवी को किया मैंने, ये चीज सीखने के लिए फिल्म की। yes. तो आप हमारे पास आ जाती शो पे आज आप सेटिंग की पीआईडी करके जाएंगे इधर से। हाँ तो वैसे होता ना कि जिंदगी में कोई सामने खूबसूरत सा लड़का बैठा और तो वो अच्छा लगता हो, कभी ये लगा आपको कभी? नहीं ऐसा कभी कुछ कभी जिंदगी में नहीं। नहीं मुझे छोड़े आप, वैसे कोई आईडिया वैसे भी नहीं हुआ कभी भी नहीं, तो कभी सोचा है कि ऐसा होना चाहिए? टाइम के साथ टाइम मैं चुकराग ले आ देना था नहीं अभी शायद वक्त नहीं आया। अच्छा अभी आया नहीं? नहीं वो होता ना जो लड़कियां कहते मेरे ख्वाबों का मोची आएगा, मेरे ख्वाबों का वो नहीं, ऐसा कोई आइडियल नहीं अभी, कोई नहीं है, होगा कोई बता नहीं रही यार। बंद करो मैं पूछ लेना मेरे तो शर्मा आने कभी भी नहीं सोचा? नहीं सच में नहीं। ये देखें जैसे ओन है, वासे भाई हैं, मैं हूँ तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कभी। ना ही समझो फिर सईदा ने सोच रखा है, कह रही थी कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट किया होगा उस लड़के को। फिल्म ना पूरी दुनिया चिट कराना चाह रहे थे सच्ची मुची, आपने सोचा होता ना कि फील्ड से रिलेटेड या लुक्स में कैसा हो? समवन हु इज लाइक रियली टॉल, लंबे हो, कितने अपने राइट साइड देखो जरा कितने लंबे राइट साइड, जिनने कोई यादगार जिनने इनकी तरह लंबे हो। वासे भाई की असल में आप गलत में थोड़ा ऊंची कुर्सी पे बैठे हो क्या हाइट इस बेस पे आप ना जज करिएगा नहीं हाइट पर सारे नु देर लग जानी तुसी ब्रीज चेक कर लो दो इंच हो जाएगी, तीन इंच हो जाएगी, लेकिन मैच तो नहीं, सिक्स तक तो ठीक है, सिक्स टू ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। इनको बड़ी फिक्र हो रही है उसके अलावा आप कुछ बताना चाहिए अगर इनको? इनको हाँ सिंगर होना चाहिए, सिंगर वो है सिंगल मैं हूँ, दोनों रिक्वायरमेंट्स उनकी, सिंगल और सिंगर हो ठीक है। ठीक है और दिखने में कैसा हो? दिखने में तो जहर ही लगता हो। Good, how are you? You know, my mom is most intellectual in the world. Oh, really? How so? ऐसी मेरी मामा ने गल की थी, मैं सोनी पुरानी को रोने हो गया। ये क्या बात की उन्होंने? You know, couple of days ago, I was crossing the shajara. ठीक है। वो थी पुलिस ने नाका लग गया है। Okay. मैंने कहा ना क्या काम करते हो? मैं कहा आई एम सॉरी अबाउट दैट, मैं जॉब लेस हूँ। ठीक है। कहना मैंने तुम्हें तीन मरतबा पकड़ा है, तुमने यही कहा जॉब लेस हूँ। हाँ। आइंदा तुम मेरे काबू आ गए तो इतनी फैंटी लगाऊंगा। अच्छा। मैं तुम्हें बोनलेस कर दूंगा। यस मेरा उठे जमीर जाग पे। अच्छा। मैं फिर मामा नु कॉल की थी, मैं के मामा नाकामियां ने तो मेरा घर ही वेख ले। अगो
मेरी मामा ने एक हिस्टोरिकल जुमला बोला जिसकी वजह से मैं जिंदा हो गया। कहने तुम्हें दुनिया में सिर्फ एक बंदा कामयाब कर सकता है, अच्छा, और वो तुम खुद हो। कहने ने मेहनत करो मोहब्बत के साथ। फिर मैं सोचा सारी रात, मैं कह मामा व्हाट शुड आई डू। मामा कहती आइसक्रीम बेचो, ओके, क्योंकि ये हमारे पास फैमिली फॉर्मूला है जो सीना बसीना मेरे तक पहुंचा था। मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ, वो मैं बना के मल्ले दे विच वंडिया, उन्होंने मेरा बुआ ही पान दिता। इतनी अच्छी थी, इतनी मैं फिर सोचा भी साइकिल लेके ना वुड कार्ट ला के ओ चारो पासे बर्फ लावांगा, फिर मैं निकल पावांगा पूरे लाहौर च, फिर मैं ओदियां ब्रांचां बना के ओदा ब्रांड बनावांगा, पूरी दुनिया सप्लाई करांगा। तुसी लोकां नूं क्या करोगे, ये हमारे यहाँ मांगने आता था, सो कुड यू प्लीज गिव मी 10,000, मैं सिर्फ वो थोड़ा जा सामान लेना है। तुम्हारे सारे प्लान को सिर्फ 10,000 की जरूरत है, दैट्स इट, नो मोर। कैप इत्थे रखनी पैणी है, मेहमानां दे जहांगीर तरीन आ बैठे ने। जबाना चढ़ जाएगा, कुड यू प्लीज गिव मी 10,000, तुहाडी फिल्म जिहड़ी है ना जी सुपर डुपर हिट हो जानी, किहने कोल ने पैसे। देख लेना मेरे जेरे मामू ने ना उन्होंने शक्ल भी थोड़े ना मिलती। अच्छा, कुड यू प्लीज हेल्प मी जस्ट 10,000, तुहाडी फिल्म नू कोई नहीं फड़ सकता। अच्छा जी, उधर ले वेखो तुसी, तुसी दे ओडी फिल्म जी लिख लेना। इसको इसको कहते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की की तरफ गामजन। उधार लेना लगनी है। पहले कितने लगी जी सी।